नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्रश योर माइंड में। तो आज फिर से हम लोग लेकर आए हैं कुछ नया आपके लिए। क्या आपको पता है कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं उन्हें रेड क्यों बनाया जाता है, यानी कि वो लाल रंग के ही क्यों होते हैं? शायद नहीं। तो आज हम इसका रीज़न साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। तो अब बात करते हैं कि डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, एक लेनी है ग्लू गन की स्टिक, ये बहुत आराम से मिल जाती है, ग्लू गन की स्टिक, और दूसरी हमें लेनी है लेज़र लाइट। इन दो चीज़ों से हमें समझ में आएगा कि डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं, यानी कि लाल क्यों होते हैं। तो ये लेज़र लाइट जो है ये मल्टीपल है। अगर हम बात करें तो ये रेड कलर, और यहाँ पर देखेंगे तो शायद कुछ कलर्स आपको यहाँ पर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस ग्लू गन की स्टिक में ये जो लाल वाली रंग की लाइट है इसको पास करना है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें से लाल रंग की लाइट जो है वो पास हो रही है काफ़ी दूर तक। अगर जबकि मैं किसी और कलर की बात करूं तो ये वाइट वाली को देखेंगे या ब्लू वाली लाइट को देखेंगे जो हमारे पास है, ये दोनों देखिए, ब्लू वाइट को देखें तो सबसे कम, इस लाइट को देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन अगर हम रेड कलर की लाइट को देखें तो उसकी जो ट्रैवलिंग है वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस तक है। इसीलिए ताकि हमें दूर से ट्रैफिक सिग्नल दिखाई दे, डेंजर सिग्नल जो है वो रेड बनाया जाता है, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो रीज़न है इसके पीछे का वो समझ में आ गया होगा, और आप भी कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को इन दो चीज़ों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने नए साइंस एक्सपेरिमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।